छियानवे साल की उम्र, काउंसिल हाउस से संसद तक का सफर, संविधान सभा से सरकारों तक, पुरानी संसद की दिलचस्प बातें। गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि 19 सितंबर 2023 को जब नई संसद भवन ने औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ किया तो इसी के साथ आजाद भारत में 75 सालों तक जिस इमारत को संसद भवन का दर्जा हासिल था वो संविधान सदन में तब्दील हो गया। 1921 से लेकर 1927 तक 6 सालों की मेहनत और करीब 6 लाख रुपयों की लागत से बने पुराने संसद भवन के साथ कई दिलचस्प तथ्य जुड़े हैं जिन्हें हम जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में पेश कर रहे हैं। पुरानी संसद की यादें। पुरानी संसद के साथ यादों का एक सुनहरा सफर भी जुड़ा हुआ है जिन पर चर्चा से पहले एक नजर पुरानी संसद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तारीखों पर डाल लेते हैं। पुरानी संसद के बनने की शुरुआत 1921 में हुई थी और ये 1927 में बनकर तैयार हुआ। इसके डिजाइनर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। इसका पुराना नाम काउंसिल हाउस था। इसी भवन में पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और भारत को सत्ता का हस्तांतरण भी इसी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसी संसद ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठकें 13 मई 1952 को हुई थी और पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में पेश किया गया था। संसद की पुरानी बिल्डिंग में पहला सत्र 1952 में आयोजित किया गया और आखिरी सत्र 2023 में। तारीखों की ही तरह पुरानी संसद से जुड़े तथ्य भी कुछ कम रोचक नहीं है। पुरानी संसद और 75 साल। अब तक 5,047 लोकसभा सदस्य और 2,418 राज्यसभा सदस्य पुरानी संसद में आ चुके थे। अब तक 142 राज्यसभा के मनोनीत सांसदों ने भी पुरानी संसद को देखा था। यहां 4,796 बार संसदीय कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। संसद की पुरानी बिल्डिंग में 10,44,000 बार बहस हुई और करीब 10,12,000 सवाल पूछे गए। इस बिल्डिंग ने 6,473 लोकसभा बैठकों और 5,606 राज्यसभा बैठकों को देखा है। यहां 3,914 बिल पास हुए। अब तक 17 लोकसभा स्पीकर और 14 राज्यसभा के सभापतियों ने पुरानी संसद से कामकाज किया है। संसद भवन से संविधान सदन में बदल जाने के बाद भी संसद की पुरानी बिल्डिंग देश के लोगों को संविधान के निर्माण और विकास की कहानी सुनाती रहेगी। पिक्चर अभी बाकी है। बहस, चर्चाओं और बैठकों के अलावा भी पुरानी संसद बिल्डिंग के पास कई और दिलचस्प तथ्य अब भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस बिल्डिंग में करीब 41 विदेशी नेताओं ने भाषण दिया, 40 बार विश्वास मत पेश किए गए, 3 बार संसद के संयुक्त सत्र आयोजित किए गए, 990 संसदीय बहसों में प्रधानमंत्री की भागीदारी रही, 171 बार संसद में राष्ट्रपति का संबोधन हुआ और 91 बार बजट पेश किए गए। 29 जुलाई 1979 को भारत के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना किए बिना ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। संसद से जुड़े इन रोचक तथ्यों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।